बिलासपुर में एक पुत्र ने अपने पिता की करंट लगाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शक था कि उसके पिता उसकी पत्नी को गलत नियत से देखते हैं, इसी कारण उसने हत्या को अंजाम दिया। दरअसल ये पूरा मामला बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र का है। यह 24 मार्च को अरपा कॉलोनी रामनगर कोटा में रहने वाली महिला ने कोटा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 मार्च को उसका पति मृत अवस्था में अपने घर के जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके बाद उसका बेटा और अन्य लोग मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट कोटा लेकर जा रहे थे। इसी बीच मृतक की दूसरी पत्नी और उसकी बहन ने शव को देखा तो उनको संदेह हुआ। दोनों ने हत्या की आशंका जताई। इसके बाद कोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण करंट लगना बताया गया, साथ ही हत्या की बात सामने आई। 24 मार्च को कोटा थाने में थाना प्रभारी को सूचना मिली कि वहाँ एक व्यक्ति सूरज यादव की संदेहास्पद मृत्यु हुई है, लेकिन परिजन इसको पुलिस को सूचना दिए बिना इसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे। पुलिस की टीम तत्काल पहुँची, वहाँ जो है बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, मर्ग कायम किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग की जाँच में जो है मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करंट के द्वारा उसकी हत्या किया जाना पाए जाने से तत्काल इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया और संबंधित जो भी संदेहित हैं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ और विवेचना में यह सामने आया कि उसका पुत्र जो कि 26 वर्षीय आरोपी सागर यादव है, उसके द्वारा अपने पिता की विभिन्न कारणों से और पत्नी पर बदनीयती रखने के कारण उसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी। उसने GI तार हाथ में बांध करके उसको करंट दिया जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो उसको नेचुरल साबित करना चाह रहा था, इसलिए बिना किसी पुलिस की सूचना या पोस्टमार्टम के वे लोग उसको छुपाने के लिए जो है अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से जो है ये हत्या का मामला सामने आया और आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसे आज जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। जो आरोपी है उसकी पत्नी के प्रति जो है मृतक बुरी नीयत रखता था, जिसकी सूचना उसे मिलने पर उसने इस प्रकार की घटना अंजाम दी।